और अब बात प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के जाल की। मेरठ में संडे वाली प्रेयर में सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। ये खबर पूरे वेस्ट यूपी में आग की तरह फैली, जिसके बाद हिंदू समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मेरठ में पहले हिंदुओं को फंसाया गया, फिर धर्मांतरण का खेल हुआ। आज हम धर्म के नाम पर अधर्म की साजिश को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि कैसे गरीब परिवार को फंसाकर मेरठ में हुआ धर्मांतरण वाला कांड। मेरठ में मंगतपुरम के बाद खड़ौली गांव में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद धर्मांतरण कराने वाले 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। धर्मांतरण माइंड का असली मास्टरमाइंड मुख्य पादरी रवि पास्टर, जो कि फरार है, तलाश चल रही है। संडे वाली प्रेयर ब्राह्मण परिवार के घर पर हो रही थी और तभी पुलिस और हिंदूवादी संगठन के नेता पहुंचे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। ये थाना अंगरखेड़ा के अंदर खड़ोली गांव पड़ता है। यहाँ पर एक मकान में एक निशा नाम की महिला ने किराए पे मकान ले रखा था। उस मकान में हर संडे को यहाँ क्रिश्चियनिटी की जो प्रेयर वगैरह है वो कराई जा रही थी। भोले भाले हिंदुओं को वहाँ बिठाकर और उन्हें बेला फुसलाकर जो कन्वर्जन का खेल चल रहा था हर संडे को। तो उसकी सूचना कुछ लोगों को मिली, गांव के लोग थे, कुछ संगठन के लोग थे, और उन्होंने जाके जब उन्हें पकड़ा तो उसमें जो रवि पास्टर है, रवि आज़ाद, वो सहारनपुर का रहने वाला है और वो इसी काम को करता है। और उसने जो है यहाँ कई लोगों को कन्वर्जन जो है करा रखा है, कहीं को और कराने की तैयारी योजना जो है चल रही थी उसके अंदर, पैसे फंडिंग से जैसे भी करके। तो धर्मांतरण कराने वाले रवि पास्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करने की धमकी दी है। मेरठ में डेढ़ साल से खेल चल रहा है। ईसाई धर्म में हर रविवार को संडे प्रेयर होती है, ये प्रार्थना चर्च में होती है, लेकिन संडे की प्रेयर इस मकान में हो रही थी। यहाँ पर हर रविवार सुबह से महिलाएं पुरुष जुटने लगते हैं, दोपहर तक यहाँ पर प्रार्थना चलती है। इसी प्रार्थना में किसी भगवान के नहीं बल्कि ईसाई धर्म की बातें होती हैं। क्रॉस के साइन वाले डायस पर एक आदमी प्रवचन के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेलता है। लोगों को बुलाकर संडे प्रेयर कराई जाती है और धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। हर प्रेयर में 40 से 50 लोग जुटते हैं। प्रार्थना सभा का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो सभा में आए किसी व्यक्ति ने चुपचाप से बनाकर पुलिस और हिंदू संगठनों के लोगों को सौंप दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि मकान के भीतर हॉल में एक तरफ महिलाएं, दूसरी तरफ पुरुष बैठे हैं और डायस पर खड़ा आदमी माइक से ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार कर रहा है। मैं क्यों आपको बताना चाहता हूँ, शैतान किसी का सगा नहीं, बार बार कहता हूँ। जब यीशु मसीह का कोई गलती नहीं थी, कोई वो राजा है देश के पास लेकर गया, उसने जाकर कहा कि ये तेरे राज्य में क्या करता है, तेरे विरोध की बातें करता है। अरे वो पूरा उसको एक लेटर बनाकर दिया कि इसके अंदर ये सारी बातें लिखी कि ये ऐसा कर रहा है और जैसा आज कंडीशन बना रहा है। अरे भैया, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को पैसा देकर ईसाई बना रहे हैं। अगर आपने अपने गलत कामों से, अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर पर विश्वास किया है, इसमें क्या होता है। तो वीडियो में दिख रहा शख्स रवि पास्टर है, जो कि ईसाई धर्म की महत्ता के बारे में बखान कर रहा है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था। ऐसे ही एक और वीडियो अब हम आपको और दिखा देते हैं। ब्राह्मण परिवार के घर के भीतर ढोल मंजीरों पर ईसाई धर्म के भजन गाए जा रहे हैं, वो वीडियो भी जरा आप देखिए। मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सहारनपुर का पास्टर रवि फिलहाल फरार है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में कल कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ अन्य धर्म की कुछ उपासना या इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लुभाकर।
इस पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और उसमें जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ की गई है, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर और लोगों की शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो गिरफ्तार हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।